नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नीमच मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं मनीष धाकर। आइए देख लेते हैं आज के इंदौर मंडी के आलू प्याज और लहसुन के भाव। दर्शकों, इंदौर मंडी में भी लहसुन के अंदर सेंटेड मालों की आवक ज़्यादा है, बाजार आज सामान्य देखने को मिला है। और बात करें प्याज की तो एक लोट 1450 जरूर बिका है, बाकी बाजार समान है, लेवाली ठीक ठाक है। और आलू में बाजार लगातार समान बना हुआ है, लेवाली कुछ कमजोर देखने को मिल रही है। आइए देख लेते हैं पूरी क्वालिटी के अनुसार भाव। दर्शकों, अगर वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, अधिक से अधिक किसान भाई को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसान भाई सेवा का लाभ ले सके। दर्शकों, इंदौर मंडी में लहसुन के भाव की बात करें तो ऊपर में एक्स्ट्रा मोटा साइज का जो देसी लहसुन है 7500 रुपये तक बिका है। एक्स्ट्रा मोटा साइज की बात करें तो पोजीशन 7200 7400 रुपये की रही है। बढ़िया मोटा 6500 7000, फुल गोला 5500 से 6600, बढ़िया लड्डू 4500 से 5500, मीडियम माल 3000 से 4200 रुपये। एवरेज मीडियम की बात करें तो 1500 से 2800 की पोजीशन। आवक 7.5 से 8000 बोरी, बाजार समान रहा, लेवाली ठीक देखने को मिली। वहीं प्याज के बाजारों की बात कर ले दर्शकों तो इंदौर मंडी में प्याज में ऊपर में एक लाट 1450 रुपये बिका है। बाकी बढ़िया मोटा प्याज की जो पोजीशन है 1350 रुपये से 1400 रुपये, मीडियम माल 1250 रुपये से 1350 रुपये, गोल्टा माल 1150 रुपये से लगा करके 1250 रुपये तक बिक रहा है। गोल्टी मालों की अगर हम बात करें तो 200 रुपये से लगा करके 1100 रुपये की आज पोजीशन देखने को मिली है। आवक 60000 कट्टों की आज देखने को मिली। बात करें बाजार की तो बाजार समान रहा, लेवाली भी सामान्य आज देखने को मिली है। वहीं बात कर ले आलू के बाजार की तो चिप्स आलू जो है 1000 रुपये से लगा करके 1100 रुपये तक बिके हैं। राशन आलू की बात करें तो 900 रुपये से लगा करके 1000 रुपये तक बिक रहा है। गुल्ला आलू 600 रुपये से 800 रुपये, छर्री आलू की बात करें तो 400 रुपये से 600 रुपये की पोजीशन रही। हल्का आलू 300 रुपये से 400 रुपये तक बिका है। आव के लगभग 6000 कट्टों की आज देखने को मिली है और बाजार समान रहा।